शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत दर्शकों हम कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद से। दरअसल गुलाम नबी आजाद इन दिनों चर्चाओं में बने हुए हैं और चर्चाओं में रहने की असली वजह ये है कि गुलाम नबी आजाद को लेकर खबरें जो हैं वो ये सामने आ रही हैं कि गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस के बीच के रिश्ते अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि गुलाम नबी आजाद अब पूरी तरह से सोनिया गांधी से खफा नजर आ रहे। दरअसल इसकी वजह ये है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस के बीच की दूरियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इतना ही नहीं, गुलाम नबी आजाद को जिस तरह से अब अपमानित महसूस वो कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, ये चीजें बताती हैं कि वाकई में गुलाम नबी आजाद को जो है वो फैसला ये कर रहे हैं कि वो कांग्रेस से अब पूरी तरह से रिश्ता तोड़ सकते हैं। दरअसल जिस तरह से गुलाम नबी आजाद को सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मैं बात करूं तो इनके बीच जो तलखियां देखने को मिल रही हैं, जिस तरह की ये स्थितियां बन रही हैं कि गुलाम नबी आजाद और सोनिया गांधी के रिश्ते जो एक समय में मजबूत हुआ करते थे, जो गुलाम नबी आजाद एक समय में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के बारे में सोचते थे, जो गुलाम नबी आजाद एक समय में कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट किया करते थे, जो गुलाम नबी आजाद एक समय में कांग्रेस पार्टी के लिए बोला करते थे, वो गुलाम नबी आजाद आज सोनिया और राहुल से खफा हैं। दरअसल पार्टी आलाकमान से वो खफा इसलिए है क्योंकि पार्टी आलाकमान उन्हें वो सम्मान नहीं दे रही है जो सम्मान गुलाम नबी आजाद को चाहिए। कुल मिलाकर अगर देखें तो अपमानित महसूस कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में रहते हुए उनका दम घुट रहा है, इसलिए वो ये उनकी जो रणनीति है वो ये लगातार देखने को मिल रही है कि गुलाम नबी आजाद मौके की तलाश में है। मौके की तलाश को देखते हुए गुलाम नबी आजाद जो है वो ये फैसला कर सकते हैं कि क्या वो पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे या पार्टी से अलग हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार गुलाम नबी आजाद और जो पार्टी आलाकमान है कांग्रेस की, उनके बीच में नाराजगियां दरअसल किस वजह से बढ़ी है। दरअसल हुआ ये है कि गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस पार्टी के बीच दूरियां बढ़ने की असली वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं उनको दरकिनार किया। यही वजह है, यही बात है, गुलाम नबी आजाद को पसंद नहीं आए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुलाम नबी आजाद ये देख रहे थे कि कांग्रेस में किस तरह से अभी तक उन्हें एक अलग ही रखा गया था, कोई इस तरह की स्थिति नहीं बनी थी कि गुलाम नबी आजाद को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के कई नेता इस बात पर ज्यादातर जोर देते आए हैं कि गुलाम नबी आजाद और पार्टी के अन्य नेताओं ने कहा भी था कि पार्टी में कुछ ना कुछ बदलाव होने चाहिए और पार्टी में बदलाव होने से पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन अब जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता गुलाम नबी आजाद से खफा हो गए हैं, बहुत सारे नेता जो है वो गुलाम नबी आजाद को अब पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने भाषण ही कुछ इस तरह का दिया था जिससे कांग्रेस के अन्य नेता खफा हो गए। इसमें पार्टी आलाकमान भी शामिल है। दरअसल पार्टी आलाकमान भी बहुत ज्यादा हैरान है कि आखिरकार गुलाम नबी आजाद ने ये क्या कह दिया है और इतने समय से कांग्रेस के साथ रहते हुए आखिरकार उनका टर्निंग पॉइंट पीएम मोदी की तरफ क्यों चला गया। दरअसल मैं आपको समझाऊंगा कि पीएम मोदी की तरफ उनका टर्निंग पॉइंट क्यों चला गया, और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पार्टी आलाकमान भले ही ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रही है कि वो गुलाम नबी आजाद से नाराज है, लेकिन आप इस बात को ये समझिए कि पार्टी आलाकमान जो है वो अंदर ही अंदर गुलाम नबी आजाद से भी खफा नजर आ रही है। दरअसल जिस तरह से कांग्रेस की जो G23 सम्मेलन हुआ था,
आपको पता भी होगा। और उस सम्मेलन में कांग्रेस के सभी नेता अपनी बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की तारीफ करना, बीजेपी की तारीफ करना, ये बात कांग्रेसी नेताओं को चुभ गई। और ये बात खुद सोनिया और राहुल को भी पसंद नहीं आई, क्योंकि गुलाम नबी आजाद इतने समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, कद्दावर नेताओं में आते हैं, और उन्हें कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा का पद भी दिया था। उसके बावजूद भी आखिरकार क्या वजह है कि गुलाम नबी आजाद का ये टर्निंग पॉइंट रहा, गुलाम नबी आजाद का एक बयान इस तरह से पूरी राजनीति को घुमा दिया। कांग्रेस पार्टी में जो हलचल पैदा हुई है वो गुलाम नबी आजाद के बयान से हुई है। और खबरें ये सामने आई कि कांग्रेस पार्टी अब दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक वो गुट है जो गुलाम नबी आजाद के समर्थक का गुट है, और दूसरा गुट वो है जो गुलाम नबी आजाद से नफरत कर रहा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खबरें जो देखने को मिली कि गुलाम नबी आजाद को लेकर बहुत सारे नेताओं की, खास तौर पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई। कांग्रेस नेताओं ने इशारों में गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधा। आपको मैं जम्मू कश्मीर की भी खबर बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला था कि कांग्रेसी नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के पुतले तक फूंक दिए थे, यानी कि अब खाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये खाई अगर बढ़ी और गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से कटे, यानी कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से अलग हट जाते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और ये बात पार्टी आलाकमान भी जानती है, इसीलिए वो साफ तौर पर अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर पार्टी आलाकमान भी गुलाम नबी आजाद से नाराज बताई जा रही है। और गुलाम नबी आजाद को लेकर मैं बता दूं, हमने बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी रिपोर्ट आपको बताई है, और क्या चल रहा है फिलहाल गुलाम नबी आजाद को लेकर, वो सारी जानकारियां लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और जैसा कि आज भी मैं आपको खबर में बता रहा हूं कि खबरें जो है वो ये है कि सोनिया गांधी और गुलाम नबी आजाद के बीच जो है वो दूरियां अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि एक खाई बन चुकी है गुलाम नबी आजाद और सोनिया गांधी के बीच में। लेकिन ये खाई क्या कम होगी, क्या ये खाई जो बढ़ गई है, ये जो दूरियां बढ़ गई हैं, ये दूरियां वाकई में कम होगी? सवाल मैं आपको ये भी है, ये आपसे भी किया जा सकता है कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में गुलाम नबी आजाद को ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी में रहकर उनका दम घुट रहा है? दरअसल स्थितियां जो बन रही हैं, जो हालात बन रहे हैं, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। और गुलाम नबी आजाद की, जैसे कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि गुलाम नबी आजाद का वो टर्निंग पॉइंट जो भाषण था उनका, वो ये बताता है कि गुलाम नबी आजाद अब कांग्रेस से अलग हटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने ये तो कह दिया था कि वो कांग्रेसी हैं, पक्के कांग्रेसी हैं और भाजपा में कभी नहीं जाएंगे, लेकिन अचानक से जो बयान उन्होंने दिया था और जिस तरह से उनका नरम रुख अब देखने को मिल रहा है बीजेपी के लिए, पीएम मोदी के लिए, तो ये बताता है कि गुलाम नबी आजाद अब अपनी नई राह तलाशने में जुट गए हैं। गुलाम नबी आजाद जो है अब वो ये देख रहे हैं कि आखिरकार उनको कहाँ पे और ज्यादा मान सम्मान मिलेगा और कहाँ पर उनकी पूछ और ज्यादा होगी। फिलहाल कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल मची हुई है, कांग्रेसी पार्टी के नेता आपस में एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो इतनी बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, जो एक समय में एक हुआ करती थी, वो आज दो गुट में बट गई है। यानी कि इसकी वजह ये भी है कि जिस तरह से ध्यान नहीं दिया गया है पार्टी आलाकमान की तरफ से, और इसमें ये भी चीजें नजर आई हैं कि कांग्रेसी नेताओं की अपनी अपनी अब राय भी सामने आने लगी है। पहले जो था वो बात नहीं रखते थे, लेकिन अब खुलकर कांग्रेसी नेता भी बकायदा अपनी बात रख रहे हैं, खुलकर वो अपनी बातों को सबके सामने रख रहे हैं, और जो नेताओं को लेकर गुस्सा है उसको भी जाहिर कर रहे हैं। यानी कि कांग्रेसी नेता अब खुलकर सामने आने लगे हैं, जिसे हम बागी तेवर कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि बागी तेवर अपना रहे हैं कांग्रेसी नेता। तो चुनावों से पहले कांग्रेसी नेताओं की ये स्थिति, कांग्रेसी नेताओं की ये राय ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, बल्कि इसका सीधा सीधा असर चुनावों पर पड़ सकता है। और आपको मैं बता दूं कि देश में चुनावी दौर शुरू हो चुके हैं, और चुनावी दौर अगर शुरू हुए हैं
तो इसमें कांग्रेस ये जरूर कोशिश कर रही है कि उसको फायदा मिले, लेकिन कांग्रेसी नेताओं की बयानबाजी कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकती है। तो देखते हैं आखिरकार क्या एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे कदम उठाती है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।